नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपको सिली हुई सलवार में पॉकेट कैसे लगाते हैं ये तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप पॉकेट के लिए जो कपड़ा है वो अलग कलर का भी ले सकते हो क्योंकि बाहर नहीं दिखेगा। तो ये हमारी सलवार है, पूरा सीधी साइड है। यहाँ पर सीधी साइड से हमने जो आसन है, जो हमारा नेफे वाली सिलाई है ये वाली, यहाँ से जहाँ पर सिलाई लगानी है हमने वहाँ तक नापना है कितना है, तो उसे सेंटर में लेना है। जैसे 6 इंच हमारा सेंटर है, तो सेंटर से भी 1 इंच हमने इस तरफ को निशान लगाया है, और नीचे की साइड जहाँ पे हमारा बेल्ट लगी है वहाँ से 3 इंच ऊपर। तो यहाँ पर हमारा सेंटर बन गया है जो बेल्ट हमारी लगेगी। तो यहाँ पर 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच हमने इस तरफ लिया है। 5 इंच टोटल हमारी हाथ डालने के लिए जगह है। अगर आपका हाथ थोड़ा सा मोटा है तो आप 6 इंच तक भी ले सकते हो। अब यही निशान हमने उल्टी साइड पे भी लगाना है। यहाँ पर सीधी साइड का निशान हमारा जब ऐसे उल्टी साइड करेंगे तो वहाँ भी दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप एक कच्ची सिलाई लगा लेना, तो उस सिलाई को आप निशान मान लेना। तो यहाँ पर हमने एक पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है 7 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा। यहाँ पर आप कपड़ा अलग तरह का भी ले सकते हो अगर आपके पास पुरानी सलवार है तो, और कपड़ा नहीं बचा है तो। अब इस कपड़े को हमने इस तरीके से रखना है जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर सीधी साइड पे, और पिन के साथ मैंने सिक्योर कर लिया है। अब उल्टी साइड पे भी हमने निशान लगाया है, इस निशान के ऊपर हमने सिलाई करना है। बिल्कुल सेंटर में रखना है कपड़ा जो है इस निशान के, थोड़ा सा 1 इंच हमारा एक तरफ और 1 इंच हमारा दूसरी तरफ बचेगा। ये यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के सेंटर में हमने एक पैर का गैप रखना है। दो सिलाइयाँ लगाई हैं, दोनों सिलाइयों के सेंटर में हमने गैप रखा है थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से गैप रखा है। तो अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, बड़ी बड़ी सावधानी से करना है, कहीं आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इस कट के सहायता से हमने दोनों साइड पे ये जो है कट लगा देना है। अब इस कट को लगाने के बाद हमने जो कपड़ा है हमारा सीधी साइड पे, वो हमने इसके अंदर की साइड ऐसे निकाल लेना है। अब ये कपड़ा जो है पॉकेट वाला, ये हमारे उल्टी साइड पे आ गया है, सलवार की अंदर की साइड पे आ गया है। तो इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, ऊपर से एक टॉप स्टिच भी लगा सकते हो। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, और अगर इस तरीके से नहीं करना है तो इस तरीके से करेंगे तो सिलाइयाँ दिखेंगी। तो हम ऐसे करेंगे, नीचे की साइड को फोल्ड किया तो जेब की जो सिलाई है वहाँ पे अब हमारा रुक जाएगा कपड़ा, लेकिन साइड का जो है वो ओपन है, तो साइड का ओपन है तो वहाँ से हम ऊपर तक इसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपने मैंने लेंथ नापी है पॉकेट की, लेकिन इसको नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर तक आप कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना, ऐसे जो पॉकेट की सिलाई करी थी उससे साइड में हमने 1-1 इंच कपड़ा जो है वो खुला है, वहाँ से आप ऊपर तक आसानी से सिलाई कर सकते हो। ऐसे नीचे की साइड से मैंने ऊपर को लेके गई हूँ। तो ये सिलाइयाँ हमने दोनों साइड पे लगा लेनी है कंप्लीट। अब इसको नीचे की साइड जो कपड़ा हमारा अटका हुआ है यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे ऐसे, तो ये ऊपर की साइड को आ जाएगा। ऐसे कॉर्नर वगैरह निकाल लेने हैं तो ये पॉकेट हमारी ऐसे आ जाएगी, ऐसे। अब ऊपर की साइड का जो कपड़ा बचा है इसको हमने नेफे के साथ सेट करना है। नेफा है जो है वहाँ पे हमने इसको स्टिच करना है। तो ऐसे फोल्ड करेंगे, अगर कपड़ा आपका लंबा है ऊपर की साइड तो आपने इसको कट कर देना है। वैसे नेफे की बिल्कुल बराबर हमने रखा होता है, तो इसको इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। जब हमने वीडियो शुरू की थी तो कपड़ा हमने सीधी साइड पे रखा था, तो सीधी साइड पे किस तरीके से रखना है, पूरा नेफे के ऊपर रखना है, नेफे तक, ठीक है। तो ये हमारी पॉकेट हमारी तैयार है। यहाँ पर पूरा हाथ अंदर जा रहा है, और आप मोबाइल वगैरह भी रख सकते हो। थैंक यू।